हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध पर 10 लाइनों का हिंदी निबंध सीखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम महारानी माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। भगवान बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली थी। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ। सत्य और परम ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी व नवजात बेटे राहुल का त्याग कर दिया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching. Bye-bye.